माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ करुणा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने आई शेडो पैलेट्स का कलेक्शन। तो मेरे पास टोटल 12 आई शेडो पैलेट्स हैं और इन 12 आई शेडो पैलेट्स में एक आई शेडो पैलेट ऐसा है जो मुझे मेरी सिस्टर ने सेंड किया है यूएसए से। बाकी के जो 11 आई शेडो पैलेट्स हैं वो मैंने और मेरी सिस्टर एंड लॉ ने, हम दोनों ने मिलकर परचेज किए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने आई शेडो पैलेट्स दिखाऊंगी भी और साथ ही साथ उनका रिव्यू भी करती जाऊंगी। तो अगर आप आई शेडो पैलेट्स खरीदने वाले हैं या सोच रहे हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो आई शेडो पैलेट जो मुझे मेरी सिस्टर ने सेंड किया है यूएसए से। तो ये वो आई शेडो पैलेट है, ये 12 कलर्स का पैलेट है और इसके अंदर ये 12 शेड्स हैं और इसके अंदर एक ये इस टाइप का ब्रश रिसीव होता है और ये वो 12 शेड्स हैं। ये पैलेट मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है बट इस पैलेट में एक कमी मुझे लगती है कि इस पैलेट के जो ये शेड्स हैं इनका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है। बाकी शेड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप इनके साथ बहुत ही अच्छे से लुक क्रिएट कर सकते हैं, बट जो इनका पिगमेंटेशन है वो थोड़ा कम है तो आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं। तो एक आई शेडो पैलेट है ये और इसकी कंपनी आई थिंक कलर मेड है क्योंकि इसका नाम जो है वो पूरी तरीके से मिट चुका है। और तो आई थिंक आई गेस कि इसका नाम कलर मेड है। सो नेक्स्ट जो मेरे पास पैलेट्स हैं वो ये दो हुडा ब्यूटी के पैलेट्स हैं और ये दोनों पैलेट्स जो हैं वो बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट्स हैं। सो अगर आप बिगनर हो और अगर आप अपनी कोई भी मेकअप किट बनाने जा रहे हो तो आप अपनी मेकअप किट में हुडा ब्यूटी के ये दो पैलेट ज़रूर ऐड करना, क्योंकि इन दो पैलेट्स में ना एक चीज़ ये है कि आपको एक तो ये 9 ब्यूटीफुल शेड्स मिलेंगे, उसके साथ ही साथ आप इन शेड्स को सिर्फ और सिर्फ शेडोज़ की तरह ही नहीं बल्कि आप इन्हें एज अ ब्लश, एज अ कॉन्टोअर, एज अ हाइलाइटर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स हैं और बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है। इनफैक्ट आपने मुझे भी मेरी बहुत सारी वीडियोस में इन दोनों ही पैलेट्स के साथ ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखा है कि मैंने इन दोनों ही पैलेट्स के साथ, कभी मैंने इन पैलेट्स में से कॉन्टोरिंग की है, कभी अपनी आईब्रो फिलिंग की है, कभी मैंने इनमें से ब्लश यूज़ किया है, कभी मैंने इसमें से हाइलाइटर यूज़ किया है। तो ये दोनों बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट हैं, आप इनको ज़रूर अपनी किट में ऐड करें। और एक चीज़ और, ये फर्स्ट कॉपी नहीं है हुडा ब्यूटी की, ये मुझे 250 के रिसीव हुए थे और ये बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो हुडा ब्यूटी के ओरिजिनल के जैसे हैं। मुझे नहीं पता ओरिजिनल का और क्या मतलब उसका कैसा पिगमेंटेशन या क्या है, बट इन दोनों का पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, कोई फॉल ऑफ नहीं होता है और बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट्स हैं। तो आप ये पैलेट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, आपको रीजनेबल रेट पे इंस्टा स्टोर पे ज़रूर मिल जाएंगे 250 या 350 की रेंज में। तो आप अपनी किट में ये दोनों पैलेट ज़रूर ऐड करें। देन इसके बाद मेरे पास हैं दो नेकेड के ये पैलेट, एक है नेकेड 2 और एक है नेकेड 3। तो जो नेकेड 2 है उसको मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। सो आप देख सकते हैं कि इसके कुछ शेड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल लगभग ख़त्म पे हो गए हैं और सारे ही न्यूट्रल शेड्स हैं। इधर पे मिरर है, इधर पे ये शेड्स हैं और इस तरीके का ये ब्रश है। इसके ब्रश के एक तरफ में आपको फ्लफी ब्रश मिलेगा, एक साइड पे आपको फ्लैट ब्रश मिलेगा। तो बहुत ही ये भी काफ़ी अच्छे पैलेट हैं। और ये जो नेकेड के ये वाले जो पैलेट्स हैं इनमें एक चीज़ ये है कि आपको आई मेकअप क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने, बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ आपको खेलना नहीं है, आप सिंगल एक शैडो उठा के अपनी आईज पे प्लेस कर दीजिए एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो एनीवेयर। और दूसरा भी जो पैलेट है उसके भी जो शेड्स हैं वो सारे न्यूट्रल शेड्स हैं और ये भी आप एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, एज अ आप शेडो में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंगल शेड को पिक करके अपनी आईलिड्स पे प्लेस करके अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं इजीली।
ये दो पैलेट्स हैं मेरे पास। देन उसके बाद है मेरे पास ये रोज लीफ का पैलेट, और इस पैलेट में 80 शेड्स हैं। और ये जो 80 शेड्स हैं, ये जो शेड्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स हैं, और सारे शेड्स हैं लगभग इसमें, आप देखिए। और इसमें से ना एक बहुत ही मतलब अच्छी सी स्मेल भी आती है। सो जो शेड्स हैं इसके वो बहुत अच्छे हैं, पिगमेंटेशन भी अच्छा है इस पैलेट में। बट एक चीज़ है कि ये सारे शिमरी शेड हैं और इनमें फॉल ऑफ बहुत है। तो अगर आप ये पैलेट ले रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप आई लुक क्रिएट करें तो पहले आप अपना आई मेकअप करें, देन उसके बाद आप अपना फेस मेकअप करें। तो ये एक किट भी आप अपने बिगनर्स किट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 80 शेड्स हैं और ये आपको एक पूरा कंबाइन आपको एक शिमरी शेड का पैलेट आपको ये मिल जाता है। तो आप अपनी बिगनर्स किट में इस शेडो को ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद है मेरे पास ये कलर्स क्वीन का आई शेडो पैलेट। ये सिंगल एक शेडो पैलेट ऐसा है जो इसके आउटर कवरिंग के साथ में है, क्योंकि हमने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। सो अंदर से ये ऐसा दिखता है, ये ब्लैक कलर की इसकी पैकेजिंग है, और यहाँ पे इसमें आपको मिरर मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको ये सारे शेड्स मिलेंगे। इसमें 4 ब्लश के शेड हैं और 2 आपको कॉम्पैक्ट के शेड मिलेंगे। और इसके बाद एक साइड पे आपको मिल जाएंगे मैट आई शेडो पैलेट, मतलब मैट शेड मिलेंगे, और एक साइड में आपको शिमरी शेड मिल जाएंगे। तो रोज़ लीफ के पैलेट के मुकाबले अगर आप इस वाले पैलेट को अपनी किट में शामिल करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस वाली किट में आपको मैट शेड भी मिलेंगे, आपको शिमरी शेड भी मिलेंगे, आपको ब्लश भी मिल जाएगा, और आपको हाईलाइट सॉरी कॉम्पैक्ट के भी 2 शेड मिलेंगे। तो अगर आप अपनी किट बनाना चाह रहे हैं तो आप इस वाले पैलेट के साथ ज़रूर अपनी किट बना सकते हैं। देन इसके बाद है मेरे पास ये मिस रोज़ का आई शेडो पैलेट, और ये टूट गया है, मेरे बेटे ने इसको गिरा दिया था। तो इसके इस साइड में मतलब मिरर है, और फिर इस साइड पे ये शेड्स हैं, बहुत ही कलरफुल शेड्स हैं बट बहुत ही ज़्यादा चौकी हैं। अगर आप मिस रोज़ का कोई भी पैलेट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप उनके मैट आई शेडो ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा चौकी हैं। तो शेड्स बहुत प्यारे हैं, थोड़े चौकी हैं, और इनमें फॉलो अप भी बहुत होता है, और जो इनका पिगमेंटेशन है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। सो अगर आप ये पैलेट लेने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये देखिए कि बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं है इस पैलेट में। सो इस पैलेट को हमने यूज़ भी ज़्यादा नहीं किया है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसमें पिगमेंटेशन नहीं है बिल्कुल भी। देन इसके बाद है मेरे पास ये एक नायका का शेडो पैलेट, और इसका नाम है आईज ऑन मी। इसमें 10 शेड आपको मिलते हैं, एक ये ब्रश आपको मिलेगा ऐसा, ये स्पंजी ब्रश जो होते हैं जिनमें स्पंज लगा होता है, यूजलेस होते हैं बट है इसके साथ। और फिर उसके बाद आपको ये शेड्स मिलेंगे,